आगते रहना साढ़े ते ना रहना, आगते रहना साढ़े ते ना रहना। ताऊते तूफान ने हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों में तबाही मचाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मैदान में उतार दी थी, मगर इस ताऊते तूफान से हमारे पड़ोसी देश को कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है। यह मोहतरमा कराची में होने वाली तबाही से घबराई हुई है और अपनी ही सरकार और इमरान खान को खोज रही है। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8, मैं हूं किरण नाज। कराची में आज शदीद गर्मी के बाद तेज़ तूफ़ानी हवाएं चली हैं, गर्द का तूफ़ान उठा और हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। मौसम में कुछ तब्दीली आई है, लेकिन यकीन जानिए कराची की गर्मी से सताए लोग हवाओं के खौफनाक शोर से नहीं डरे हैं, लेकिन पिछले साल की बारिश याद करके ज़रूर खौफजदा हो गए हैं। याद है ना आपको, जब ज़्यादा बारिश हुई थी तो इतना पानी आया था कि कराची वाले 3 दिन तक ज़मीन देखने को तरस गए थे। अंदरूनी सुन तो लोग 4-4 महीने इस अजियत का शिकार रहे हैं। पौश इलाकों से लेकर पसमानदा इलाकों तक अजियत और बेबसी की मिसाल बने हुए थे। कई लोग जान से भी गए थे। प्लानिंग तब भी कुछ नहीं थी, आज भी कुछ दिखाई नहीं देती। नाले पिछले साल भी कचरे से भरे हुए थे, आज भी गंद की तस्वीर बने हुए हैं। सड़कें तब भी बदहाल थीं, आज भी टूट फूट का शिकार हैं। निकासी का निज़ाम तब भी बोसीदा था, आज भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। गंदगी के ढेर उस वक्त भी जगह जगह होते थे, आज भी हर तरफ दिखाई देते हैं। पिछली बार बारिश के बाद 1100 अरब के पैकेज का ऐलान हुआ था, अभी बारिश से पहले तक तो कुछ लगता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हुकूमत तब भी इतनी ही बेखबर थी, अल्लाह जाने इस बार क्या हाल है। वफाकी हुकूमत गिराने के लिए भरपूर तैयारी करने वाले, मीटिंग्स पर मीटिंग्स, जलसे पर जलसे करने वाली सिंध हुकूमत से सिर्फ ये पूछना था कि इस बार कोई तैयारी है, या कराची वालों को कह दें कि जागते रहना साढ़े ते ना रहना।